अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है संडे और मैंने लगाया हुआ है तेल, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और हसन और काजम गए हुए हैं हेयर कटिंग के लिए। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है। अच्छा, आज के व्लॉग में आपको दो चीज़ें बेसिकली देखने को मिलेंगी। एक तो ये कि ड्राइंग रूम में पर्दे लग गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा हिल नहीं रही था कि आपको पहले से नज़र ना आ जाए। बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, एकदम से रौनक सी आ गई है। और वो आपको दिखाऊंगी, छोटा सा टूर दूंगी, बिफोर एंड आफ्टर दोनों आपको दिखाऊंगी कि पहले कैसा था अब कैसा लग रहा है। साथ में रमज़ान जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है, पता नहीं कल पहला रोज़ा है या परसों है, उसकी कुछ तैयारी मैंने करके रखी है। कल मैंने काफ़ी कुछ तैयारी करके रखी थी और आधी मुझे आज करनी है। कल वाली आप क्लिप पहले जाके देखेंगे मैंने रमज़ान की तैयारी क्या की है, क्या कुछ बना के रखा है, और फिर आधी चीज़ें मैं आज बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो ड्राइंग रूम का छोटू सा मुन्नू सा टूर भी दूंगी। चलें जी, साथ में जल्दी से तैयारी करते हैं। वैसे तो जब ये आप व्लॉग देखोगे तो ऑलमोस्ट आपने भी सारी तैयारी कर ही ली होगी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ग्रॉसरी मैंने कर ली थी, आलू बुखारा, इमली, चने, ये सब कुछ मैं वॉश करके भिगो के रख रही थी, क्योंकि आलू बुखारे और इमली की मुझे चटनी बनानी थी और साथ में मुझे शामी कबाब बनाने थे। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश करके ना ओवरनाइट सोक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, गोश्त हसन लेकर आए थे शामी कबाब के लिए और कीमा लेकर आए थे, वो मैंने सोचा वो भी लगे हाथ में वॉश करके फ्रीज कर देती हूँ। तो उनको मैंने निकाला, वॉश किया। शामी कबाब तो मुझे फ़ौरन हाथों हाथ चढ़ाने थे क्योंकि शामी कबाब में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था साइड पर। इस पॉइंट पर मैंने जो है वो हरी चटनी का सारा सामान भी मंगा लिया था हसन से, तो हरा धनिया, पुदीना, उसको पत्ते में अलग कर रही थी, फिर उनको वॉश किया मैंने। साथ में हरी मिर्च भी मंगा ली थी, लहसुन भी मंगा लिया था। हरी चटनी हमारे बैक टू बैक बनती रहती है क्योंकि चावल पे, खास तौर पे किसी भी तरीके का चावल हमारे घर में बने तो हरी चटनी बहुत हम शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, सिंपल सी है। मैंने एक गड्डी हरा धनिया लिया, एक गड्डी पुदीना, उसको अच्छे से वॉश कर लिया और उसको फिर मैंने साइड पे कर दिया। इतने में मैंने सोचा कि अब मैं शामी कबाब का जो कीमा है वो चढ़ा देती हूँ गलाने के लिए, क्योंकि बीफ़ को गलने में टाइम लगता है। ये बोनलेस एक किलो बीफ है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। छोटी छोटी बोटी हसन करवा कर लाए थे कसाई से, वो मैंने गलाने के लिए रखी, उसमें ढेर सारा पानी डाल के। इसके अंदर मैं क्या ऐड करती हूँ, गोल वाली जो लाल मिर्च होती है 6-7 वो डालती हूँ, मतलब ज़्यादा भी आप डाल सकते हो अगर आपको स्पाइसी पसंद है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1-2 चम्मचे और साबुत गरम मसाला एंड नमक, दैट्स इट। ये रख डाल के मैंने अच्छे से उसको जो है बॉईल करने के लिए रख दिया था। ऊपर से फिर झाग उतार के मैं उसको गलाने के लिए रख दूंगी। चने की दाल में तब ऐड करूंगी जब गोश्त हाफ गल चुका होगा, क्योंकि चने की दाल को इतना टाइम नहीं लगता गलने में, ख़ास तौर पर जब आपने सोख करके रखी हुई हो। अभी मैं सारे गर्म मसाले वगैरह इसके अंदर ऐड कर रही थी। साथ में जो है मैंने सोचा कि मैं अपनी हरी चटनी का काम कर लेती हूँ जब तक के गोश्त के अंदर बॉयल आए। यहाँ पे अभी मैं लहसुन काट के रख रही थी क्योंकि हरी चटनी में लहसुन भी ऐड होता है। यहाँ पे गोश्त के अंदर बॉयल आ गया था, ऊपर से जो झाग थे वो मैंने उतार के फेंक दिए, फिर धीमी आंच पे मैंने कवर करके इसको रख दिया, ठीक है। अब हम अपनी हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हरा धनिया पुदीना मैंने ऐड किया, उसके अंदर मैंने 6-7 लहसुन के जवे ऐड किए, 2 मैंने प्याज काट के ऐड की, छील के, वॉश करके, और दैट्स इट। पानी डाला और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको पकाऊंगी भी चटनी को। अगर आपको थोड़ा लंबे अरसे के लिए चटनी को स्टोर करना है और आप चाहते हो उसका टेस्ट ख़राब ना हो, उसमें फुई वगैरह ना लगे, तो उसको कुक ज़रूर किया करो। एक पैन में मैंने ज़रा सा 2-3 चम्मच तेल डाला, उसके अंदर चटनी ऐड की, अच्छे से मैंने जो है इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर, टाटरी एंड नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छे से मिक्स करें, एक लीमू भी डाल दें थोड़ी सी खटास के लिए, अच्छे से फ्लेवर के लिए, और उसके बाद जो है आप इसको वापस से मिक्स करें। इस पॉइंट पे मैं अब इसको कॉर्नफ्लोर डाल के, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े पानी में आप मिक्स करके डाल दो तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। एंड देन आप उसको उतना गाढ़ा करो जितना आपको चाहिए। तो मुझे बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ना बहुत थिक ना पतली। इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, चटनी को रख दिया साइड पर, और अब वेट करेंगे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो हम इसको स्टोर करें। अब मैं बना रही हूँ दही बड़े का मसाला। इसमें लाल मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, ये सब कुछ मैं ऐड करती हूँ। बाजार का दही बड़े का मसाला मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और दही बड़े सिर्फ मैं खाती हूँ और वो भी रमज़ान में मुश्किल से 2-3 बार ही बनते हैं, क्योंकि मैं अकेली खाती हूँ तो वो चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ। हसन इतना शौक से नहीं खाते, लेकिन मसाला मैं घर में ही बनाती हूँ और ये लंबे टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हो। इसको भून के मसाले को मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया,
फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा आपने इसको मोटा सा कुटा कुटा सा रहने देना है। उसका जो है बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और भून लेते हो आप तो और अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। इसके अंदर अभी मैंने ऐड किया नमक, टाटरी एंड आमचूर, और ये आपका ज़बरदस्त वाला यम्मी सा दही बड़े का मसाला हो गया रेडी। इसको आप एक एयर टाइट जार के अंदर, बॉटल के अंदर स्टोर करके रख दो। यहाँ पे हमारी चटनी हो गई रेडी, यहाँ पे हमारा दही बड़े का मसाला भी हो गया रेडी, इसको मैंने साइड में कर दिया, और चटनी भी ऑलमोस्ट ठंडी हो गई थी तो उसको भी मैंने जार के अंदर निकाल लिया था, बाद में फिर मैंने जार चेंज कर लिया था। तो ये हमारा दही बड़े का मसाला और हरी चटनी हो चुकी है रेडी। इसमें इतना टाइम नहीं लगता तो ये तो मैंने कर लिया था। बाकी के काम फिर मैंने किए सुबह में स्टार्ट। रात में ही चने की दाल मैंने भिगो दी थी, और चने की दाल फिर रात में ही गोश्त के अंदर दाल भी दी थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये क्लिप आप देख रहे हो, ये है नहीं ये रात की है, जब अच्छे से बॉयल आ गया तो मैंने उसको लो फ्लेम पे रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखें, इसमें जो है मैंने देखा गोश्त गल गया था काफ़ी, लेकिन पानी मौजूद था, तो इसको थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके मैंने पानी को बिल्कुल खुश किया, साथ में जो चने रात को भिगो के रखे थे उसको भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। क्योंकि रमज़ान में जो है ना आपके फ्रीज़र में चने रखे होने चाहिए, आप उसकी पुलाव बना लो या वैसे ही बना लो, बहुत चीज़ों में काम आता है। कबाबों का जो कीमा है उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था और वो ठंडा भी हो गया था, अभी मैं यहाँ पे चॉपर में डाल के उसको चॉप कर रही हूँ अच्छे से। अच्छा, इसके अंदर अब मैं ऊपर सेट करूँगी एक अंडा और साथ में हरी मिर्च, प्याज एंड हरा धनिया। एक किलो बोनलेस बीफ के अंदर मैंने आधा किलो से भी कम चने की दाल ऐड की थी। जितनी चने की दाल आप कम ऐड करोगे शामी कबाब में, उतना ही आपका शामी कबाब मज़े का बनेगा, वरना दाल का फ्लेवर ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर गोश्त ज़्यादा होगा तो रेशा रेशा आएगा, उसका फ्लेवर यम बहुत मज़े का होता है। अच्छा, मैंने दो चॉप प्याज ऐड की, हरा धनिया ऐड किया चॉप करके, एक अंडा डाला, हरी मिर्च मुझे फील हुआ कि ज़रूरत नहीं ऐड करने की क्योंकि वैसी ही बिल्कुल सही उसके अंदर जो है वो मिर्चें थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं काजिम को लंच बॉक्स में भी देती हूँ, तो फिर मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं की। अब हम बनाएंगे आलू बुखारा और इमली की चटनी। आलू बुखारा और इमली दोनों ही मैंने ओवरनाइट सोक किया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसके अंदर से बीज निकाल के इमली का पल्प बनाया अच्छे से ग्राइंड करके। अभी मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, सौंफ का पाउडर एक चम्मच ऐड किया है, नमक ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, अभी मैं एक चम्मची जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, अदरक का पाउडर, चीनी एंड और मैंने क्या ऐड किया था मैं भूल चुकी हूँ, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स किया, पकाया 5-6 मिनट, फिर मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया ताकि जो आलू बुखारे और इमली का जो पल्प है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देन मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया। ये आपकी खट्टी मीठी ज़बरदस्ती चटनी हो गई रेडी, जो आप चाट पे, छोलों पे, दही बड़ों पे, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, हर किसी चीज़ के साथ खा सकते हो। और मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऊपर से ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल, एंड दैट्स इट, आपकी ज़बरदस्ती चटनी हो गई रेडी। इसको मैंने साइड पे कर दिया था। हमारे खट्टी मीठी चटनी बहुत शौक से खाई जाती है, ख़ासतौर पर हसन की फेवरेट है, तो ये मैं बनाती ही बनाती हूँ लाजमी। यहाँ पर अब मैं नींबू का रस निकाल के रख रही थी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं निकालती क्योंकि वो मैं ही जो है वो पी रही होती हूँ, हसन तो कुइस का शरबत पीते हैं, मैं जो है वो लेमन जूस या कभी कभी इस तरीके से रूह अफ़ज़ा में डाल के इस तरीके से बना के पी लेती हूँ। अभी छोले जो बॉयल किए थे वो भी बॉयल हो चुके थे, उनको मैंने स्टोर कर दिया। ये काम हो गया हमारा, और साथ में जो है ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई रेडी। चने बॉयल करके रख दिए क्योंकि हम लोग रमज़ान में रोज़ा खोल के अफ्तार में बहुत लवाजमात नहीं खाते, हम लोग डायरेक्ट खाना खाते हैं सॉरी, तो उस हिसाब से मैंने सारा कुछ रेडी करके रखा, शामी कबाब, चने, दोनों चटनियाँ, हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, लीमू का रस निकाल के फ्रीज किया, और ये दही बड़े का मसाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं डायरेक्ट रोज़ा खोल के, मतलब फ्रूट चाट खा ली या हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया, देन नमाज पढ़ के फिर हम खाना खाते हैं। हफ्ते में एक बार मैं पकौड़े वगैरह इस तरीके की चीज़ें बना लेती हूँ, वरना कोशिश हमारी होती है कि सहरी और अफ्तार हम हेल्दी करें। तो ये मेरी तैयारी है, बाकी अब आप ड्राइंग रूम का टूर देख लें। तो ये बिफ़ोर है हमारे ड्राइंग रूम का, जब कर्टन्स नहीं लगे हुए थे और सोफ़े भी पुराने वाले रखे हुए थे। अब मैं आपको उसका आफ्टर दिखाती हूँ, आफ्टर ये है। ख़ास तौर पे अब कर्टन्स लगने के बाद ड्राइंग रूम बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सोफ़े तो आपने देख ही लिए थे, वो हमने पुराने वाले रिप्लेस करके नए वाले लिए हैं। ये भी नए नहीं हैं, ये समझे जो सेकेंड हैंड सोफ़े होते हैं ना, उसका कवर वगैरह लोग चेंज कर देते हैं, फिर नीचे से पॉलिश वगैरह करके सेल कर देते हैं, उस टाइप के। ये बिल्कुल न्यू चीज़ नहीं है।
कर्टन्स बस समझे नई लगे हैं, बाकी कुछ भी न्यू नहीं है। जो कारपेट था वो भी मेरे पुराने घर वाला है, टेबल भी पुरानी वाली है, ये पेंटिंग्स हमें गिफ्ट में मिली थी और टेबल भी पुरानी वाली है मैंने बता दिया, और कुशंस भी सोफ़ों के साथ ही आए थे जो ये कलरफुल वाले हैं, ये मेरे पुराने वाली हैं। बाकी कॉन्सोल हाँ हमने लिया था साथ में क्योंकि उसकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, और दैट्स इट। तो माशाल्लाह से बहुत एक अच्छा सा लुक आ गया है ड्राइंग रूम का, प्यारा लग रहा है। और घर का एक कॉर्नर आपका ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, जहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उनको आराम से बिठा सको और मैं अपना फिर काम भी कर सकती हूँ यहाँ पे। साथ में कॉन्सोल का आप लोग बहुत पूछ रहे थे तो भैया आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, जो मेन चीज़ें थी वो सब मैंने रेडी करके रख दी और बाकी फिर आराम आराम से करती रहूँगी। साथ ही मैंने ड्राइंग रूम का भी टूर आपको छोटा सा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अब बस मुझे थोड़ी सफाई वफाई करनी है, डस्टिंग करनी है। आप एक चीज़ मुझे बताइएगा कि रमज़ान में आप ब्लॉग्स किस टाइम पर देखते हैं, किस टाइम पर यूट्यूब पर जो है वीडियोज़ देखते हैं, उसी टाइम पर फिर मैं रमज़ान में ब्लॉग्स अपलोड करूँगी। रमज़ान में किस टाइप के ब्लॉग्स आप देखना चाहेंगे वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।